मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फित्र का पर्व, ईदगाह में अदा की गई विशेष नमाज। साले टेकरी के पास मंडई भौरा के जंगल से पुलिस बल ने बरामद किया भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ। नक्सलियों ने डंप कर रखा था यह विस्फोटक। वन्य प्राणी घोरपड़ के साथ दो गिरफ्तार। केस वापस लेने के दबाव में मारपीट की घटना, छात्रा ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। और रविवार को टीकमगढ़ और बड़वानी के बीच खेला जाएगा फुटबॉल का फाइनल मैच। और अब समाचार विस्तार से। सेवइयों में लिपटी मोहब्बत की मिठास का नाम है ईद उल फित्र। भूखे प्यासे रहकर एक महीने तक अल्लाह की इबादत करने वाले रोजेदारों को अल्लाह का इनाम है ईद उल फित्र। ईद उल फित्र का यह त्यौहार न सिर्फ मुस्लिम धर्म के सच्चे मायनों को बतलाता है, बल्कि यह त्यौहार देश की एकता अखंडता का भी प्रतीक है। मोहब्बतों का यह त्यौहार ईद उल फित्र शनिवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस विशेष त्यौहार पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में सुबह से ही विशेष रौनकें देखी गईं और जिले की तमाम ईदगाह मस्जिदों और मदरसों में ईद का यह त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया गया। ईद उल फित्र के इस मौके पर पुलिस लाइन स्थित ईदगाह में हजारों की तादाद में लोग जमा हुए, जहां उन्होंने ईद उल फित्र की विशेष नमाज अदा की। नमाज के बाद मुस्लिम अनुयायियों द्वारा देश में अमन, चैन, शांति, आपसी भाईचारे और देश की एकता और अखंडता के लिए सामूहिक रूप से दुआएं मांगी और सलातो सलाम पढ़ लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। ईद के इस मुबारक मौके पर विभिन्न राजनीतिक दल के लोग और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी ईदगाह व मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम धर्म के लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद के प्रमुख त्यौहार को देखते हुए सभी ईदगाहों, मस्जिदों और मदरसों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। ईद उल फित्र का यह जश्न सुबह से देर रात तक देखा गया। मोहब्बतों के इस त्यौहार में कोई अपना या बेगाना नहीं होता और लोग सभी रंजो गम भुलाकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष भी इससे कैसे अछूते रहते। ईदगाह में मुबारकबाद देने पहुंचे सत्ता पक्ष व विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने जहां मुस्लिम धर्म के लोगों को गले लगाकर उन्हें ईद की बधाइयां दी, वहीं मोहब्बत के इस त्यौहार में कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी। ईदगाह में इस मंजर को जिस किसी ने भी देखा वो बस देखता ही रह गया। ईद का है यारो ये पयाम। हे अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। Thank you.
ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक सभी को, ईद मुबारक। हाँ जो भी समझे प्यार को वो है सबका यार, प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं, प्यार से है संसार। ईद उल फित्र के इस त्योहार के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि ईदगाह में सद्भावना और आपसी भाईचारे का माहौल देखने को मिला है। रमजान शरीफ के एक माह के व्रत के बाद आज ईदगाह पर ईद की मुबारकबाद देने के लिए हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं देश के और दुनिया के और विशेष तौर से बालाघाट के मुस्लिम भाइयों को इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि सद्भावना और भाईचारे का वातावरण जो हमारे यहाँ पर बनाए रहा है कई वर्षों से, कभी किसी तरह का कोई तनाव का स्थिति नहीं बना। ये सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें और इसी सम्मान से एक समरसता का वातावरण बनता है, एक अच्छा रास्ता है। मैं इस अवसर पर अधिकरण कहते हुए सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। उनका जीवन यश और कीर्ति से भरा हो और मन में शांति रहे, वे तरक्की के राह पर अग्रसर हों और भारत के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करें। वहीं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने इस त्योहार को आपसी भाईचारे का आदान प्रदान बताया है। ईद आवाज में क्या आवाज है का ये त्यौहार है और इसमें हम सब लोग मिलजुल करके भाईचारा और आत्मीय प्रेम स्नेह का आदान प्रदान करते हैं और निश्चित रूप से इससे एक समाज में जो है वो ऐसे नई फिरा बनती है। ईद की बहुत सारी शुभकामना। मैं समस्त कांग्रेस पार्टी की ओर से समस्त हमारे साथियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जीवन में बचा लिया है और निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े और राष्ट्र निर्माण में उनका सराहनीय। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। के साथ मनाए और देश में एकता कायम रखे और सभी मुस्लिम भाई, सभी हिंदू भाई जिस प्रकार से सभी त्योहारों का आनंद लेते उसी प्रकार से ईद का भी आनंद ले। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार ईद में पानी भी नहीं गिरा और बहुत अच्छा वातावरण माहौल रहा। सभी भाइयों को ईद की बहुत बहुत बधाई। वहीं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक सरस्वार ने इस त्योहार को कौमी एकता की एक मिसाल बताया। पूरे वर्ष अमन चैन रखने के लिए ये महीना मुस्लिम समुदाय का रहता है और हिंदू समाज इसमें पूरी तरह से मदद कर देता है, उनके पूरे कार्यक्रम में साथ रहता है। ईद का महीना बहुत ही सैक्रिफाइस करके ये लोग अपना मनाते हैं और इसके लिए हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनको और बधाई है।
इसके अलावा कांग्रेस कमेटी जिला प्रवक्ता विशाल बिसेन और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने भी जिले वासियों को ईद की बधाइयां दी। जिले की पुलिस ने साले टेकरी के पास मंडई भोरा के जंगल में नक्सलियों द्वारा डंप रखे विस्फोटक पदार्थों को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार मुखबिर से खबर मिली थी कि विस्तार दलम प्लाटून नंबर 2 के कमांडेंट राजेश उर्फ दामा अपने साथियों प्रशांत ज्योति राधा शर्मिला नंदा कोसा और अन्य साथियों के साथ भोरा के जंगल में घूम रहे हैं और पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने भारी मात्रा में विस्फोटक जमीन में छुपाकर रखने वाले हैं। इस पर 16 जून शनिवार को साले टेकरी चौकी की पुलिस टीम जिला पुलिस बल हॉक फोर्स और बीडीडीएस की संयुक्त टीम ने पूरे क्षेत्र की सर्चिंग की तो भोरा के जंगल से 200 मीटर दूर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ जमीन के 3 फीट नीचे एक नीले रंग के प्लास्टिक के ड्रम से बरामद किए गए। पुलिस ने विस्तार दलम के नक्सलियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। बैहर के एसडीओपी दीपक नायक ने विस्फोटक सामग्री की बरामदी के बारे में बताया कि मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। ऐसी सूचना मिल रही थी कि मंडी के पास जो अपना भोरा का जंगल है वहाँ पे जो विस्तार दलम करके है, विस्तार दलम के कुछ मेंबर्स नक्सलियों के द्वारा किसी तरह का कोई डंप लगा के रखा हुआ है एक्सप्लोजिव का, तो उसमें से हमारी साली टेकरी चौकी प्रभारी शहर यादव और उनकी टीम हॉक की टीम के साथ में वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे जो डंप को रिकवर किया हुआ है जिसमें तकरीबन 7 पैकेट जो हैं, हमारी बीडीएस की टीम भी मौके पे पहुँची, बीडीएस की टीम ने डिटेक्ट किया इसको, तो इसमें 7 पैकेट्स जो हैं सल्फ़र है, यूरिया है, कुछ आयरन नेल्स हैं, बैटरी है, वायर है, तो इस तरीके से इसमें इसको वहाँ पे मौके पे डिटेक्ट करके जब्त किया गया और इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। वारासिव ने जनपद के सीईओ और पंचायत के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने 15 जून को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर विरोध जाहिर किया। यह सभी अधिकारी और कर्मचारी जनपद सीईओ के नेतृत्व में रैली निकालकर जिला मुख्यालय के विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। आपको बता दें ये सभी अधिकारी कर्मचारी डिंडौरी जिले के करंजिया जनपद के सीईओ के साथ पूर्व जनपद अध्यक्ष द्वारा की गई मारपीट पर विरोध दर्शा रहे थे। आवाज दो जियो सरकार दो, कर्मचारी एकता। आवाज दो। आपको मालूम होगा कि दिनांक 13 तारीख को असंगठित कर्मकारों का सम्मेलन हुआ था, जन कल्याण संबल योजना का, वो हमारी जनपद पंचायत करंजिया है, उनके सीईओ के साथ वहाँ के जो जनपद अध्यक्ष मैडम थी उन्होंने इसका दुर्व्यवहार किया और मारपीट की है। इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में सीईओ यूनियन के नेतृत्व में हमारे सारे सचिव संगठन, हमारे ग्रामीण विकास जितने संगठन हैं, हम सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि वो अध्यक्ष मैडम गिरफ्तार हो चुकी हैं, लेकिन हम लोग इस मांग में अड़े हुए हैं कि उनको पद से भी बर्खास्त किया जाए, पद से भी हटाया जाए। इसी सिलसिले में सारी बालाघाट की 10 जनपदों से आज हम सभी लोग सचिव यूनियन और हमारे पीसी यूनियन, मंत्री यूनियन, राज्य कर्मचारी संगठन, सारे यूनियन हम लोग मिलके बालाघाट जा रहे हैं अपने कलेक्टर महोदय को वहाँ पर ज्ञापन देकर और मांग करेंगे कि ऐसे अभद्र और अशोभनीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। दक्षिण सामान्य वन मंडल लामता के अधिकारियों ने वन्य प्राणी घोरपड़ के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बब्बू राम पांचे और राजेंद्र मात्रे दोनों अत्री निवासी बताए गए हैं। बताया गया है कि शुक्रवार को रात्रि गश्त के दौरान चिचौली बीट पर इन व्यक्तियों को देखकर उनकी तलाशी ली गई तो घोरपड़ के 3 बच्चे एक गठरी में मिले। इन घोरपड़ों को कुल्हाड़ी से मारा गया था। सर आज घोरपड़ के अधिकारियों को कॉल मिला, कैसी क्या प्रक्रिया थी सर, क्या था प्रक्रिया? कल स्टाफ गश्ती कर रहा था चाचेरी सर्किल में, तो चिचोली बीट के कक्ष क्रमांक 1340 में कुछ 2 लोग जंगल की तरफ से आ रहे थे। उनके पास एक वो था गठरी रखा हुआ था, तो स्टाफ ने उनसे रोक के उसकी तलाशी ली, तो उसमें लोकल उसको घोरपड़ कहते हैं, वो था मॉनिटर लिजार्ड गोह, 3 बच्चे हैं। तो उनके द्वारा पूछे तो उन्होंने बताया कि पेड़ से उन्होंने निकाल के यानी कि कुल्हाड़ी से उनको मारे और उसको खाने के लिए ले जा रहे थे।
सर कौन सी धाराओं के साथ कार्रवाई की जा रही है और कितने लोग को आप पकड़ा है सर? दो लोग को पकड़े हैं, अत्री गांव के हैं दोनों, और ये वन्य प्राणी के तहत इनकी कार्रवाई होगी। और शेड्यूल वन का है, भाग दो का वो है वन्य प्राणी है, तो उसके अंतर्गत उसकी कार्रवाई होगी। सर क्या क्या नाम है दोनों के? एक है बब्बू राम और एक राजेंद्र। क्या करते सर, या तो अपराधी है या इनका बैकग्राउंड कैसे क्या है सर? नहीं, ये तो अभी अब वो जांच में पता चलेगा, अभी तो एक प्राइमरी हुआ है, जांच है। सर और भी खुलासे हो सकते हैं सर इनके? अब वो आगे जांच कार्रवाई में पता चलेगा कि और इनके साथ कोई अपराधी होगा तो। पुलिस लाइन में खेली जा रही सब जूनियर गर्ल्स स्टेट लेवल फुटबॉल चैंपियनशिप में रविवार को फाइनल मैच खेला जाएगा। यह मैच बड़वानी और टीकमगढ़ के बीच खेला जाएगा। इधर शनिवार को दो सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहले मैच में बड़वानी की टीम ने धार की टीम को 3 गोल से हराया। वहीं दूसरे मैच में टीकमगढ़ की टीम ने छिंदवाड़ा की टीम को हराया। पहला सेमीफाइनल बड़वानी और डिस्ट्रिक्ट धार के बीच चल रहा है, इसमें बड़वानी एक गोल से लीड कर रही है। फर्स्ट हाफ का खेल हो चुका, सेकंड हाफ में भी एक गोल से लीड कर रही है। सर कौन कौन पदाधिकारी उपस्थित हुए यहाँ पर? आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में मध्य प्रदेश फुटबॉल संघ के सचिव महोदय श्री अमित रंजन देव साहब आए हैं, और श्री त्रिलोकचंद जी कोचर जी इस कार्यक्रम में बच्चों के उत्साह आए हैं। सर कितने बच्चे मतलब इस गेम में मतलब शामिल हुए हैं, हिस्सा बने हैं? करीब इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट के आप 100-150 प्लेयर इसमें शामिल हुए हैं, 12 से 14 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हुई है। सर नेशनल स्तर के भी खिलाड़ी शामिल हुए? नेशनल लास्ट ईयर करीब 20 बच्चे जो नेशनल खेले वो सारे इसमें, हर टीम में 2-2, 3-3 बच्चे खेल रहे हैं, तो लास्ट में 20-30 प्लेयर्स इसमें अभी कैंप के लिए रखे जाएंगे। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर आदर्श ग्राम पंचायत भरवेली में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद के इस मुबारक मौके पर जामा मस्जिद भरवेली में ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, जहां मुस्लिम धर्म के लोगों ने नमाज अदा कर अमनो अमान की दुआएं मांगी। मोहब्बतों के इस त्यौहार में लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। वहीं कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन व अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी भरवेली जामा मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम धर्मावलंबियों को गले मिलकर उन्हें ईद की बधाइयां दी। सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। अस्सलाम अलैकुम, अस्सलाम, ईद का है यारो ये पयाम। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ये ईद का त्योहार है, खुशियों का है त्योहार। ना तेरा है ना मेरा है, ये सबका है त्योहार। ये प्यार का पैगाम है, ये प्यार का पैगाम। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक। नगर के म्युनिसिपल स्कूल के पास एक युवक को 3 युवकों ने रॉड से मारकर घायल कर दिया। घायल इंदिरानगर निवासी कमलेश नारंग को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने प्रेमनगर निवासी राजेश और उसके 3 साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। मारपीट की यह घटना पुरानी रंजिश को लेकर हुई है। इधर इसी मामले के संबंध में वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर छात्रा ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस पर पक्षपातपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगाया है। इस छात्रा का कहना है कि कमलेश नामक व्यक्ति पर छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
छात्रा का कहना है कि आरोपी को जमानत मिलने पर वह फिर धमका रहा है और फर्जी मामले में उसे और उसके ट्रेनर राकेश दुलानी को फंसा रहे हैं। छात्रा का कहना है कि राकेश को गिरफ्तार भी किया गया था और केस वापस लेने कहा गया था। मेरे को बुलाए थे थाने में बयान लेने के लिए, लड़के भी आया था, कमलेश नारंग भी आया था। और कमलेश नारंग के सामने खुद बोला गया है कि जीपी शर्मा के सामने खुद बोले गया लड़के ने कि मैं भी अपने मामा की लड़की को लाऊंगा, उसके कपड़े फाड़ दूंगा और तेरे भाई में इंजाम डाल दूंगा। ऐसा मेरे को खुद बोला, मुझे राजनीतिक दबाव और पैसे का दबाव डाला गया और बोला गया अगर तुम केस वापस नहीं लोगे तो आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, अभी 3 लाख रुपए ले लो, केस खत्म कर लो। सर 21 साल की घटना थी, फिर 5वें महीने में भी 20-19 तारीख की घटना हुई। वहीं इस मामले में कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव ने छात्रा के आरोप को निराधार बताया है। श्री यादव का कहना है कि पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई। पुराने इस लड़की की रिपोर्ट पर जो है अपराध कायम किया गया था 354 का, इसमें आरोपी को अरेस्ट करने वाले भी पेश किया गया। अभी वर्तमान में वो जमानत पर है और फिर जो है वो कल कटिंग की दुकान पर था जिसमें एक व्यक्ति जो रमेश नाम का जिसने जा करके धमकी दी की उस लड़की को इस तरीके से, उस पर से भी उस लड़के के रिपोर्ट पर से मुकदमा कायम किया है। नगर के संत निरंकारी सत्संग भवन में 17 जून को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर के प्रति लोगों को जागरूक करने शनिवार को वाहन रैली निकाली। प्रकाश खटवानी। आज रैली निकाल रहे, काहे की रैली है? रक्तदान शिविर की। 17 जून को सुबह 9 बजे से 3 बजे तक संत निरंकारी सत्संग भवन में 9वां रक्तदान शिविर हो रहा है। पहले भी 1317 यूनिट हो चुके हैं, इस बार भी कई यूनिट होने वाले हैं, जितने होंगे वो समाचार दे दिया जाएगा। भाई सदगुरु की कृपा, सदगुरु माता सविंदर हरदेव दिल्ली के आदेश अनुसार चल रहे हैं, क्योंकि मिशन में ये पहले से ही कार्य हो रहे हैं। सामाजिक कार्य कई होते हैं, आई कैंप लगाया जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं और इसी तरह से कई कार्य होते हैं। अभी मिशन में ये 5560। जिला राजपूत क्षत्रिय समाज द्वारा 16 जून को महाराणा प्रताप चौक में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 478वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का दूध से अभिषेक किया गया, वहीं उनके द्वारा वीरता पूर्वक किए गए कार्यों को याद किया गया। वारासिवनी में भी ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ शनिवार सुबह 9:30 बजे ईदगाह में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। यहाँ नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ दी। इसके बाद सभी मुस्लिम भाई घर जाने से पहले अपने पूर्वजों की कब्र पर पहुंचे और उनके हक में दुआएं की। इधर ईदगाह से नमाज अदा कर निकले मुस्लिम भाइयों को विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने विधायक कार्यालय के सामने ईद पर्व की बधाइयां दी। इसी तरह पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा हर वर्ष की तरह अपने कार्यालय के सामने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां दी। इस अवसर पर अनेक कांग्रेसी नेता भी उपस्थित रहे। आज सबसे पहले तो मैं समस्त सभी नगरवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। ईद मुबारक हो। क्या है, 1 महीने तक रमज़ान के रोजे रखे गए, उसके बाद आज ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। सब लोग यहाँ ईदगाह में एकत्रित हुए और नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे से गले मिले, मुसाफ़िर लिए और ईद की मुबारकबाद दी। इस अवसर पर आपके नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस अवसर पर नगरवासियों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारा ईद का जो पर्व होता है, ये पर्व नमाज के बाद गले मिलते, मतलब एक दूसरे को भाईचारे की भावना, एकता और मिलजुल के रहने का
एक संदेश है। लालबर्रा में भी ईद उल फित्र का त्यौहार खुशियों के साथ मनाया गया। यहाँ की दोनों मस्जिदों जामा मस्जिद और रजा मस्जिद में ईद की विशेष नमाज अदा की गई। इस अवसर पर अनेक राजनीतिक दलों के नेता मस्जिद पहुंचे, जहां उन्होंने मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाइयां दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फित्र का दिन है और आज इस ईद उल फित्र के मौके पर रज़ा मस्जिद कमेटी की जानिब से और अवाम अहल सुन्नत की जानिब से हम तमाम अपने ज़िले और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आज इस ईद उल फित्र के दिन के सदक़े में मौला तबारक व तआला तमाम दुनिया में बिलखसूस हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान व आफ़ियत अमन व शांति कायम दायम फरमाए। क्या संदेश मिलता है इस रमज़ान के पर्व से? इस रमज़ान का पर्व यही है कि मतलब तमाम आलम में तमाम दुनिया को रमज़ान एक ऐसा पर्व है जो इंसान को खुदा से खुदा का इरफान हासिल करवाता है। यानी रोज़ा रखने का मतलब इंसान अपने अंदर तकवा परहेज़गारी पैदा करे और उस तकवा और परहेज़गारी का मतलब होगा कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ बंदे की लौ लग जाए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर्षोल्लास से मनाया गया ईद उल फित्र का पर्व, ईदगाह में अदा की गई विशेष नमाज। साले टेकरी के पास मंडई भौरा के जंगल से पुलिस बल ने बरामद किया भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ। नक्सलियों ने डंप कर रखा था यह विस्फोटक। वन्य प्राणी घोरपड़ के साथ दो गिरफ्तार। केस वापस लेने के दबाव में मारपीट की घटना। छात्रा ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप। और रविवार को टीकमगढ़ और बड़वानी के बीच खेला जाएगा फुटबॉल का फाइनल मैच। तो ये थी अब तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।